ओके सो थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था यहाँ, पावर शटडाउन हो गया था बिकॉज इट्स लाइक अ रेनिंग कंडीशन इन पुणे राइट नाउ. सो आई विल बी हैविंग निखिल सर वंस अगेन विद अस फॉर जस्ट स्मॉल टाइम. लेट्स सी इफ सर इज हियर और नॉट. सो लेट्स सी. So very shortly. हाँ सॉरी. सर सॉरी मेरे तरफ से, क्योंकि यहाँ पावर शटडाउन हो गया था एंड इट्स लाइक अ रेनिंग कंडीशन हियर इन पुणे राइट नाउ. अच्छा पूना में. यस बिकॉज यहाँ अभी तूफान सा हो गया है बाहर थोड़ा. ओ सो अच्छा. पूरे एरिया का पावर कट हुआ है, वाईफाई वेंट हो गए. नहीं दैट्स ऑल राइट. मैं पुणे में पढ़ा भी हूँ सो आई ओके लाइक. ग्रेट ग्रेट टू नो दैट सर. सो एक सवाल था, अमित सिंह पूछ रहे थे कि व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया आप सेलिब्रिटीज के पोस्ट प्रेफर करते हैं या बेस्ट फ्रेंड के? मुझे दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली. आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. ओके मतलब आप एज उनसे. लॉन्ग एज सब अपना चिल हैं खुश हैं बढ़िया है भाई. ओके योर फैंस वांट्स टू नो कि आप टिकटॉक पर क्यों नहीं? टिकटॉक पे क्योंकि मुझे आई डोंट रिलेट टू इट. ओके सर तो आपको मुजरा देखना नहीं पसंद? प्राइवेट में. ओके मयंक बंसल कह रहे सर प्लीज एक बार मेरा डीएम पे रिप्लाई करिए. अच्छा मयंक बंसल का जरूर. चलो मयंक बंसल नाम याद रखूंगा कर दूंगा. काश कोई लड़की भी बोल रही हो ये तो सर आज पक्का सबको रिप्लाई देंगे. हाँ देख रहा हूँ डीएम से. हाय हाय कृतिका हाउ यू. या मयंक होली फ्रिकिंग अंडरस्कोर क्रैप ले लिया भाई नाम. चिन्मय दाश. या आप हाँ अपने नाम ले लीजिए. अली हुसैनी है फ्रॉम हैदराबाद. अली हुसैनी. कैसे हुसैनी भाई. आई होप ये लड़की है शायद. ओह सॉरी. हाय हुसैनी. ओके सो रानी अगेन इज आस्किंग फाइव वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑन योर फोन राइट नाउ. फाइव वाइडली इन शॉर्ट्स न्यूज ऐप है और कॉल ऑफ ड्यूटी और व्हाट्सएप और ब्लिंकिस्ट ओके और आई डोंट नो एक और कौन सी. आई थिंक मे बी इंस्टाग्राम बट नॉट रियली. ओके सो प्रज्ञा नाथन कह रही है आप हमारे नेशनल जीजा जी हैं. हाँ सही है. आई डोंट नो व्हाट टू से. चलो नेशनल भैया तो नहीं है कम से कम उससे तो बेटर ही ओके है. मतलब एक तरीके से क्रश ले लीजिए सर नेशनल. सही है सही है. या सो प्रीतो इज सेइंग आई लव योर स्माइल व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? प्रीतो थैंक यू. किवें या रीजन प्रीतो. प्रीतो किवें या रीजन यार. मेरी अच्छी स्माइल का रीजन आई थिंक इज जस्ट इन योर आईज. आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. तो आपकी आंखों में मैं आपको क्यूट दिख रहा हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ. सो आई थिंक इट्स क्रेडिट गोज टू यू. ओके इफ यू कुड बैन और क्लोज एनी वन सोशल मीडिया ऐप सो व्हिच वन विल यू चूज? बैन किसी एक को करना चाहेंगे? बैन पता नहीं यार. मे बी प्ले स्टोर ही बैन कर दो यार. खत्म करो स्यापा. ठीक सर लॉकडाउन कैसे निकलेगा? ठीक खत्म. लॉकडाउन में सर बैंड बज जाएगा. नहीं बट आई थिंक आई डोंट नो मैन. लाइक एज सच तो मैं किसी ऐप को बैन नहीं चाहूंगा बट अगर करना हो आई थिंक मे बी टिकटॉक. आई डोंट नो ओके राइट पता राइट नहीं. नॉट टू नहीं श्योर. ऐसा कुछ है नहीं बट.
हाँ ओके तो अमित सिंह इज आस्किंग कि आप लूडो खेलते हैं? लूडो पहले खेलता था फैमिली के साथ, अभी फिलहाल नहीं खेल रहा ऑनलाइन, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया। एंड पबजी के लिए भी पूछ रहे लोग, पबजी खेलते हो क्या? पबजी नहीं, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ आजकल, ओके तो नाइस। पबजी तो नहीं खेल रहा, बट कॉल ऑफ ड्यूटी है, लाइक सिंपल इजी कंट्रोल्स हैं और उठाओ और मारो बस। होली फ्रीकिंग क्रैप बोल रहे हैं कि टिकटॉक को भी बैन करना चाहिए, कोरोना भी बैन हो जाएगा। अब ये सब तो प्रोपेगेंडा है, मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे बोल दिया, मैं तो नहीं चाहता कोई भी ऐप बैन हो, सब लोग अपना कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ अगर कोई स्पाई टाइप ऐप है तो डेफिनेटली बैन होनी चाहिए, डेफिनेटली। अगर टिकटॉक स्पाई ऐप है तो बैन करिए। जब कौर है ये कह रही है आई लव यू लॉट एंड एनी मोमेंट ऑफ विच यू आर रियली प्राउड ऑफ इन लाइफ। दैट आई एम एन एक्टर आई थिंक, यही बड़ी बात है और क्या, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, तो सोचा एक्टर बनेंगे, बन गए, एंड आई एम स्टिल स्ट्राइविंग एंड थ्राइविंग ऑफ कोर्स, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ आई गेस, कि आई फॉलोड माई ड्रीम्स एंड योर स्टिल फेवरेट, फॉलो। अशरफुल पूछ रहे आपकी एज कितनी है एंड योर फेवरेट हिंदी सॉन्ग फ्रॉम रीसेंट टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन। एक्टर से कभी उसकी एज नहीं पूछते, आई एम तो एजलेस। एजलेस क्वेश्चन कैंसिल एंड सर नेक्स्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या है नेक्स्ट सवाल? रीसेंट फेवरेट हिंदी सॉन्ग लॉकडाउन के दौरान कौन सा सुन रहे हैं ज्यादा? मैं आजकल वो गाना सुन रहा हूँ, जे शॉन और गुरु रंधावा का पंजाबी सॉन्ग है, सो आई डोंट नो इफ इट पासेज ऑफ एज बॉलीवुड सॉन्ग, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स अबाउट सम, भूल गया हूँ, बट आई जस्ट रिसेंटली स्टार्ट वॉचिंग, बट अदरवाइज हाँ आई थिंक वही, मैं आजकल पंजाबी गाने ज्यादा सुन रहा हूँ यार। ग्रेट। हाँ तो एक्टर कैसे बने कुछ टिप देंगे क्या? दुर्गेश पूछ रहे हैं। क्या पता, मैं तो खुद अभी तक नहीं जानता मैं खुद यही को सर कुछ टिप समझने की मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टर कैसे बने अभी मुझे खुद नहीं पता। ओके आई थिंक बस आ जाओ भाई, कूद जाओ पानी में, कूद जाओ, देखी जाएगी, देखी जाएगी, सोच के आ जाओ बस, और कुछ नहीं। हाँ एनी फिटनेस टिप्स ड्यूरिंग लॉकडाउन? घर रह के कैसे फिट भाई रहे? कुछ तो करिए, लाइक स्टे एक्टिव, डू वट एवर यू लाइक डूइंग, बट जस्ट स्टे एक्टिव आई गेस। ओके लास्ट सवाल मैं आपसे लूंगा। इफ यू हैव एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 30 सेकेंड्स तो आप क्या कहना चाहेंगे दुनिया से? मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए और बड़े छोटे और अमीर गरीब के अंतर को मिटाया जाए, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट कि अमीर से पैसा ले लो और गरीब को पैसा दे दो, इट्स अबाउट सिस्टम को इक्वल बनाना बहुत जरूरी है, और बहुत सारी हिपोक्रेसी है सिस्टम में, तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, जहाँ पे एक रिस्पेक्टफुली लोगों को देखा जाए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आई थिंक वट एवर इट इज, सो माई एजेंडा वुड बी, मैं इक्वालिटी के ऊपर बोलूंगा, और हर चीज में इक्वालिटी, बी इट जेंडर स्पेसिफिक, बी इट इन लाइफ, आपके स्ट्रगल्स में, आपके बड़ी कंपनी से जब आप डील करते हैं, तो आई थिंक इक्वालिटी पूरे प्रोसेस में इक्वालिटी की जरूरत है, ताकि सबके लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म बने, ताकि कोई भी आदमी ड्रीम कर सके कि हाँ इवन आई कैन बी हूएवर आई वांट टू बी, सो आई थिंक इक्वालिटी। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत ही सही मैसेज दिया आपने। रोहित वर्मा पूछ रहे हैं आप अपने कौन से शो को सबसे ज्यादा मिस करते हैं? मैं शो शू मिस नहीं करता, मैं आगे में बढ़ा हुआ हूँ कि मेरे को आगे क्या करना है, जो हो गया वो तो पीछे चला गया भाई, अब मिस क्या करना है। आई थिंक आई जस्ट लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस एंड द आइडियाज टू मूव ऑन, ज्यादा ना मुझे मुझे पास से इतना अटैचमेंट मैं रखता नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से ज्यादा अटैच हूँ, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, सो आई थिंक स्टेइंग इन द प्रेजेंट फॉर मी इज नॉट अबाउट कि भाई पास से कैसे डील किया जाए, आई थिंक फ्यूचर में जाने का आदमी का ज्यादा, एटलीस्ट आई एम मोर इंक्लाइंड, सो आई थिंक पास्ट इज नॉट एन इशू, जो हो गया सो हो गया, आई मूव ऑन। तो काफी प्रैक्टिकल है सर, सर की बातों से जान के लग रहा है। हाँ यार क्या करेंगे अभी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, देर इज नो पॉइंट बीइंग इन द पास्ट, प्रेजेंट में रहो, कोशिश करो। गोकुश कह रहे प्लीज आप लाइव आते रहा करिए एंड फैन से इंटरेक्ट करते रहिए। हाँ एक्चुअली अभी सडनली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लाइव्स की, कल भी आई एम डूइंग अ लाइव, देन टू डे आफ्टर आई एम आल्सो डूइंग अ लाइव विद सम विद टू न्यूज़ चैनल्स,
तो अभी मैं आता रहूंगा, लेट्स सी जब तक मैं आ सकता हूँ, और अगर मैं बोर हो गया तो मैं नहीं आऊंगा। ग्रेट, बट सर थैंक यू, इट वाज रियली लवली इंटरेक्टिंग विद यू, होप आपको मजा आया आज हमारे साथ इंटरेक्ट करके। यस ऑफ कोर्स, आई लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच, एंड वी विल कीप इंटरेक्टिंग। श्योर सर, आई विल बी देयर, एक बार ये लॉकडाउन हो जाए खत्म देन ऑब्वियसली हम फेस टू फेस फिर से मिलेंगे एंड कोई एक सेकंड जरूर करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली विशाल, यस सर, सही है ब्रो, एंड यस प्लीज स्टे सेफ। आई थिंक जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, स्टे सेफ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट को माने, उनकी सुने, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है, वही अभी करता धरता है, चाहे आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छी बात है, आपकी ओपिनियन है, प्लीज अपने तक रखिए, लोगों पे भी जाहिर करिए, बट फिलहाल आई थिंक द आइडिया इज टू लिसन टू द गवर्नमेंट, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। सो लिसन टू देम, फॉलो इट जो वो कह रहे हैं, क्योंकि इस समय वही है करता धरता, समझिए इस बात को, फॉलो करिए, हेल्थ वर्कर्स को हेल्प करिए, और आई थिंक सब लोगों को थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, इट्स टफ टाइम्स फॉर एवरीवन। राइट राइट, सो सर थैंक यू फॉर दैट वेरी यूजफुल मैसेज, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बहुत ही जल्द आप सब करेंगे लॉकडाउन पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून, या टेक केयर।